नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जहां राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अब तक 97% कर्मचारियों ने चुन लिया है। अगर अब तक किसी कर्मचारी अधिकारी ने ओल्ड पेंशन स्कीम और नवीन अंशदायी पेंशन योजना में से किसी एक विकल्प नहीं चुना है तो 8 मई से पहले चुन लें। सोमवार तक एनपीएस व ओपीएस में किसी एक का चुनाव नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी की सहमति स्वयमेव एनपीएस के लिए मान ली जाएगी। निर्धारित समय सीमा में शासकीय सेवकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस के चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयमेव एनपीएस के लिए सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार के आदेश के तहत कुछ शासकीय सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन के लिए 8 मई 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा में शासकीय सेवकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस के चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयमेव एनपीएस के लिए सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो CG36 न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।